माँ अपने बच्चों को बताती है कि ट्रेन में अगर कोई कुछ दे तो लेना नहीं, कोई कुछ खिलाए तो खाना नहीं। ठीक उसी तरह कमेंट बॉक्स में भी दुनिया भर के लोग डोनेट टोटके बताएंगे आपको, तो उसमें विश्वास आपको करना नहीं है। अगर आप विश्वास करते हैं तो आई एम नॉट द रिस्पॉन्सिबल पर्सन। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, जो आज हमारा मेन मोटिव होने वाला है। कल में एम्पल ऑफ केसेस हमने देखे हैं, मिसकैरेज के, प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, ब्लीडिंग हो जा रही है, देन कभी कभी नेचुरल मिसकैरेज हो जाता है, कोई रीज़न नहीं होता, अननोन रीज़न होता है, देन कभी कभी एक हिस्ट्री है मिसकैरेज की, कभी प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हो रही है, हर थ्री महीने में यूट्राइन ब्लीडिंग शुरू हो जाती है, और उसके वजह से होता क्या दोस्तों, जो बेबी होता है वॉर्म में वो ख़राब हो जाता है और उसे क्लीनिंग कराने की ज़रूरत पड़ती है। क्या रीज़न हो सकता है? कोई स्पेसिफिक रीज़न तो नहीं है, बट हाँ अगर कोई फैमिली हिस्ट्री हो तो डेफिनेटली हो सकता है। कभी कुछ हैवी वेट वगैरह लिफ्ट कर देती है फीमेल तो डेफिनेटली हो जाता है। मैं स्लम एरियाज में प्रैक्टिस करता हूँ, यहाँ के होता क्या है दोस्तों, पानी वगैरह ये उठाते हैं, उसके वजह से क्रैम्प्स होते हैं और क्रैम्प की वजह से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो ऐसे ऐसे कुछ रीजंस है जिसका कोई बोलते हैं कि कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई रीज़न नहीं होता, बट नेचुरली हो जाता है, हमें भी नहीं पता चलता, और एक लैक ऑफ एजुकेशन नॉलेज के वजह से, कम होने के वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। तो आज का जो वीडियो है यही है, यही बताने का मेरा मोटिव यही है बताने का कि क्यों मिसकैरेज होते हैं, क्या करना चाहिए हमें। मैंने आपको लिस्ट करा दी है क्यों मिसकैरेज होते हैं, कभी हैवी वेट लिफ्ट कर लिया, या कभी दोस्तों होता क्या है कि कभी अल्टरनेट हर थ्री मंथ्स में, जब आपके डॉक्टर ने आपको कहा है कि थ्री मंथ्स रिलेशन नहीं रखना है, थ्री मंथ्स के बाद आप ट्राई कर सकते हो, अगर मिसकैरेज प्रीवियस हो चुका है देन टू पेशेंट समझते नहीं है, लोग समझते नहीं है, वो थ्री मंथ्स विद इन थ्री मंथ्स के अंदर ट्राई करते रहते हैं और अपनी गाड़ी चलाते रहते हैं, काम शुरू रखते हैं, तो उसके वजह से भी दोस्तों यूट्रस उतना स्ट्रांग नहीं रहता है कि वो बेबी जो है और जो भी प्लासेंटा वगैरह उसको होल्ड कर सके और एक तरह का उसका जो वॉर्म का ग्रोथ होते रहे, यानी बच्चे का ग्रोथ होते रहे अंदर, तो उसके वजह से मिसकैरेज हो जाते हैं, ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। तो मेरा मोटिव यही था बताने का दोस्तों, जो भी आपकी मेडिसिन चल रही है, जो भी आपके फैमिली फिजिशियन मेडिसिन चालू किए हैं आपकी, उसे कंटिन्यू रखिए। प्रॉपर थ्री मंथ्स का कोर्स होता है, 3 to 6 months भी हो सकता है, कभी कभी किसी किसी को 1 year भी कंटिन्यू कोर्स करना पड़ सकता है। तो मेरा मोटिव यही था, अगर आपके डॉक्टर ने कहा है तो उसके रेगुलर आप 3 months का कोर्स कीजिए, साथ में एक मेडिसिन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये कोई पेड प्रमोशन वाली वीडियो नहीं है, बस मेरा ये मोटिव था कि मैं आपको ये मेडिसिन के बारे में बता सकूँ। प्रोजेस्ट्रॉन कैप्सूल, प्रोजेस्ट्रॉन 100 mg में अवेलेबल है, 200 में, 300 में, 400 में, ऐसे अलग अलग इसके mg होते हैं दोस्तों, हर mg में अवेलेबल है। मेरा मैं जो प्रेफर करता हूँ वो प्रोजेस्ट्रॉन 100 mg। डेफिनेटली एक छोटे डोज से स्टार्ट करते हैं और 100% इसका रिजल्ट है। आप अपने मेडिसिन के साथ में ये मेडिसिन इंक्लूड कर सकते हो, बट आप अपने फैमिली फिजिशियन को कंसल्ट करें और उनसे बात करें, डिसाइड करें, फिर आप ये मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हो। तो दोस्तों इससे फर्स्ट ऑफ ऑल मिसकैरेज के चांसेस वगैरह कम हो जाएंगे, यूट्राइन ब्लीडिंग वगैरह कम हो जाएगी। ये दोस्तों करता क्या है, कैप्सूल जो यूट्रस होता है, जो बच्चेदानी होती है, उसको स्ट्रांग करता है, एक तरह का अगर बेबी है अंदर तो उसको होल्ड करने की उसमें क्षमता आ जाती है, स्ट्रांग करता है, बिल्ड करता है, तो फ्यूचर में मिसकैरेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो दोस्तों वीडियोस अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करना। अगर आपको लगा आपने कुछ इससे सीखा इस वीडियो से, तो आप अपने दोस्तों, आप अपने रिलेटिव्स को ज़रूर शेयर करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद।